Hey guys, welcome to Madhavam Recipes. So, आज हम आपके लिए एक स्वीट डिश की रेसिपी लेके आए हैं जो कि है ब्रेड रबड़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है जब हम इसे खाते हैं, और ठंडा होने के बाद तो और भी ज्यादा यम्मी और डिलीशियस टेस्ट आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ब्रेड रबड़ी बनाना। ये मैंने पैन ले लिया है, कढ़ाई, जिसमें मैं दूध की रबड़ी बनाऊंगी। और मैं गैस ऑन कर देती हूँ। इसमें मैं आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। मैं अब मैं इसको बॉयल आने दूंगी। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम ब्रेड के पीसेस कर लेते हैं। ब्रेड है और अब मैं इसके ब्रेड को, ये ब्रेड है और अब मैं एज वाली, जिसकी थोड़ी शार्प है, जो इस पे ब्रेड पे रख के और गोल घुमा दूंगी। और इस तरह से मेरे रबड़ी ब्रेड के लिए जितनी स्लाइसेस हैं मैं तैयार करके रख लूंगी। ये देखिए, ये मैंने राउंड पीसेस काट लिए हैं रबड़ी ब्रेड के लिए। जो ये क्रम्स है मैं इनको सुखाकर आलू की टिकिया वगैरह, ब्रेड रोल जो भी बनाती हूँ मैं उसमें डाल देती हूँ। इनको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। तो ये मेरा दूध में बॉयल आ गया फ्रेंड, और अब मैं इसको थोड़ा गैस सिम स्लो कर दूंगी और मैं इसकी रबड़ी बनाने के लिए तैयार रख कर दूंगी। इसको बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। और मैं इसको इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए, मेरे पास ये मावा है, मीठा मावा हो आपके पास या फीका मावा हो वो आप यूज कर लें। तो उससे क्या, हमारी रबड़ी जो है इंस्टेंट, जो दूध गाढ़ा होते ही मैं ये मावा इसमें मिक्स कर दूंगी। और फीका मावा है आपके पास तो थोड़ी चीनी ज्यादा डाल दीजिएगा, और मीठा मावा है तो चीनी थोड़ी कम डाल दूंगी। जब ये दूध पूरा अच्छे से हो जाएगा गाढ़ा तो मैं इसमें चीनी मिक्स करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा और हम इसकी रबड़ी बनाने के लिए इसे गाढ़ा करेंगे। ये जो साइड पर मलाई आ जाती है इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, हाफ लीटर मिल्क था मेरा, दूध था, जो ये अब आधा रह गया है। और ये देखिए, अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास मावा है, मेरे पास मीठा मावा है, ये मैं इसमें मिक्स कर, और हाफ कटोरी चीनी डालूंगी, क्योंकि मीठा मावा है तो थोड़ा सा ज्यादा ना हो जाए इसलिए। अब इसको 5 मिनट के लिए, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए हम दो उबाले आने तक इसको मिक्स कर देंगे। ये मेरे पास केसर है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए, इसको हम थोड़ा सा पतला रखेंगे, जिससे जो हमने स्लाइस काट कर रखी है ब्रेड की, इसको डिप करेंगे और ये ठंडा होगा तो भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रबड़ी बनकर तैयार है। यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप इसको दूध को थोड़ा और काट सकते हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट और इसको गाढ़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ठंडा होने पर ये मेरा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा होने के लिए। तो अभी मैं इसको गैस ऑफ कर रही हूँ फ्रेंड, और मैं इसको ठंडा होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। ये हमारी रबड़ी इतनी पतली होनी चाहिए कि जब हम ब्रेड का पीस इसमें डिप करेंगे तो अच्छे से डिप हो जाए अंदर तक। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ठंडी होने के लिए। ये 1 घंटा हो गया और मेरी रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब मैं आपको ब्रेड रबड़ी बनाने का तरीका बताती हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने ब्रेड के पीसेस करके मैंने फॉइल में रैप कर लिया था, और अब मैं इनको निकाल देती हूँ। देखिए,
ये मैंने ब्रेड पीसेस निकाल दी हैं और ये मैंने बिल्कुल ठंडा दूध लिया है। अब मैं इसको इसमें एक चम्मच ये दो चम्मच चीनी मिला दूंगी और इस चीनी को मैं मिक्स कर दूंगी। ये बिल्कुल चिल्ड मिल्क है, ये ठंडा दूध है क्योंकि एक्चुअली गर्मी है तो हमारी ब्रेड कई बार सूख जाती है, तो ये ब्रेड जो है ये सूख जाती है, तो इसको थोड़ा पहले हम अब ब्रेड रबड़ी बनाने में अब पहले हम इसमें ठंडे दूध में डिप करेंगे। एक बार रुको, ये मैंने ब्रेड का एक पीस पहले ठंडे दूध में मैंने डिप कर लिया हल्का सा और मैं इसको निकाल कर इस रबड़ी में डाल दूंगी। देखिए रबड़ी में इसको हम अच्छे से डिप कर लेंगे और थोड़ी सी नीचे रबड़ी निकाल कर उसके ऊपर डाल देंगे। और अब मैं इसको ये देखिए इसी तरीके से हम पहले सब पीसेस को ठंडे दूध में डालकर और फिर रबड़ी वाले में डाल देंगे, तो जिससे हमारी अंदर तक ये मीठी ब्रेड हो जाएगी और रबड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, चेरी डाल देती हूँ, बादाम, काजू, किशमिश से मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। तो ये मेरा ब्रेड रबड़ी तैयार है और आप इसको एक बार टेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप एक बार इसको टेस्ट करिए जरूर और बनाइए, ठंडी गर्मियों में बहुत ही टेस्टी लगती है और सबको पसंद आएगी। थैंक यू।